بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुम मुंह फेर लोगे तो तुम्हारे पैगंबर के ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुँचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, तुम्हारी औरतों और औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो और अगर माफ़ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप तमाम तर देखने वालों को दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि हम ये पूरा रमज़ान वैसे ही ऑब्ज़र्व करें, वैसे ही मनाएं जैसा इसको मनाने का हक है और रोज़ा भी वैसे रखें जैसे उसको रखने का हक है। आज नहायत ही इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं और वो ये कि आज जो इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर शख्स को अपनी ही पड़ी हुई है, उसमें हमने ज़िंदगी को बहुत जो है ना मुख्तसर सा अपने लिए जान लिया और हमने ये देखा ही नहीं कि आगे भी आने वाली ज़िंदगी और ग्रजेस हम एक दूसरे के खिलाफ, मतलब ज़िंदगी छोटी है लेकिन ग्रजेस जो है ना वो उससे भी कहीं लंबे पाल लेते हैं। सही, वो कहते हैं कि मोहब्बत के लिए इस ज़िंदगी में वक्त कम है तो नफ़रत के लिए कहाँ से कोई निकाल ले। लेकिन मैं अगर आपसे ज़ाती तौर पे पूछूं मदिया, आपको माफ़ करना आसान लगता है किसी को कभी ज़िंदगी में? अच्छा, माफ़ करना तकलीफ़ तो बहुत होता है लेकिन आपको एटलीस्ट फिर इतना सुकून ज़रूर मिल जाता है कि मैंने इसको माफ़ कर दिया, अल्लाह जाने। नहीं, कर आप कर पाती हैं? मैं कर लेती हूँ क्योंकि सिर्फ जहन में ये चीज़ होती है कि अगर मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी ना तो फिर अल्लाह, जब तक मतलब मैं माफ़ नहीं करूँगी तो फिर अल्लाह अपना काम शुरू। यानी अगर मैं वैसे ही पूछूँ कि अब तक की ज़िंदगी में सबको कर दिया माफ़?
मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं 2018 में अरबईन गई थी, जो कि एक वॉक होती है नजफ से कर्बला पैदल चलते हैं, इमाम हुसैन की कर्बला मौला, इमाम हुसैन की मैं और चौदह कर्बला के चेहरों पे गई थी। और वो जब मैंने वॉक शुरू करनी थी तो एक जैसे मुझे जब मैंने नमाज पढ़ने से पहले वजू करी थी तो मुझे आया कि मदीहा ये तुमने सफ़र शुरू नहीं करना जब तक तुम अपने पिछले जितने भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर दोगी, क्योंकि ये सफ़र इश्क पे निकली हो और अगर किसी ने चाहे धोखा भी दिया और बुरा भी किया उसको माफ ना किया तो फायदा कोई नहीं है। तकलीफ तो बहुत था और मैं वाकई इस टाइम पे निकली थी जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे लोगों की वजह से, तो मैं उनको माफ करके निकली थी और उसके बाद मैं बहुत हल्की हो गई। बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि हमारे मेहमान या तशरीफ लाएं, आपको वैसे ही एक टिप दूं, और मैं बहुत शुक्रिया अपनी बहन का भी, बाजी कुपरा का शुक्रिया अदा बहुत अदा करता हूं। उन्होंने मुझसे ऐसे ही ये सवाल पूछा तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तब मुमकिन होगा जब पहले तुम खुद को माफ करो। सो बी काइंड टू योरसेल्फ, पहले खुद को माफ करो फिर बाकियों को माफ कर सकोगे। एज योर वर्ड के चैरिटी बिगिंस एट होम। अब आप जरा हाँ, अब आप जरा डॉट मिलाएंगी ना, अपने आप को तो कभी माफ ही नहीं किया। ये है वो बात, ये क्योंकि वो फिल्म चलने लगती है ना और सब कुछ होता है, तो सबसे पहले आपने खुद को जैसे, और बिलमूम ये कि अगर आप शाह की नमाज अदा करें और उसके बाद बैठें और आप ये कह दें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे आप ये कहें कि मैं मोहम्मद नूरुल हसन बकायमी होशो हवास अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह मानकर मोहम्मद नूरुल हसन को माफ करता हूं। तो अब ये अगर जहां जहां आप भूले तो इसको दोहराया भी जा सकता है, फिर जब ये हो जाए तो फिर आगे भी चलते चले जाए, तो इससे गिरा खुलती है, दिल हल्का होता है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर अपने आप को माफ नहीं करना, यहाँ पे माफी मांगनी भी, और वो माफी मांगना भी कितना जरूरी है, सवाल से बात करेंगे। हमारे उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी, वो कहते ना कि लेडीज फर्स्ट, तो डॉक्टर मैमुना मुर्तजा को मैं चाहूंगी कि हमारे साथ मौजूद है और आइए इंशाल्लाह उनको देखेंगे पूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज कैसे? बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे बड़े अल्लामा इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये भी इंशाल्लाह आप उनको रमज़ान मुबारक में हमारे साथ देखेंगे, और हम हमेशा बहुत क्या कहते हैं इनकी इनकी बातों को, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम सीखते भी बहुत हैं। एक हमारे ऐसे भाई, इनसे हम बिला खौफ व खतर कुछ भी पूछ लेते हैं, वरना अमूमी तौर पर होता है कि जो हमारे जो बड़े दीन के बड़े हैं जो उनसे पूछते हुए डर लगता है कि हमें डांट ना दें, तो कभी हमने इनसे डांट नहीं खाई। और एक ऐसा ही हमारे बड़ा मोतबर नाम, उनसे भी हम कोई भी हमारी अगर शरई मसला हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो हम उनसे भी खुल के पूछ लेते हैं। हमें अभी ज्वाइन करेंगे अल्लामा कुमैल महदीवी भाई साहब भी, जी वो भी हमारे साथ भी हैं। और साथ में चाहूंगी कि जवेरिया सलीम हमारी बहुत ही प्यारी नात खान और आज का और आज मुझे इतनी वो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे लगी कि आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज समा की ट्रांसमिशन में हमारी जो कारिया थी वो खातून थी, और एक खातून ही इसका, हाँ उस खातून ही इसका तर्जुमा करते, इतनी खूबसूरत आपने तलावत की। जी जी, तो देखिए हम तो माशाल्लाह पहली वो पाकिस्तान की, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की पहली वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रही, अब मरियम नवाज पंजाब का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है उसकी भी वो वज़ीर आला बन गई हैं। तो अब देखें जिम्मेदारी ज्यादा है, ग्रेटर पावर ब्रिंग्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जी क्या होता है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारे पे ये भी है कि आजकल के ज़माने में हमने लोगों को माफ़ भी करना है और अपने सबसे पहले अपने अंदर एक टॉलरेंस पैदा करनी है। और आज का तुम्हारा टॉपिक है अफू दरगुजर।